शिवपुरी यातायात पुलिस प्रभारी रणवीर सिंह यादव ने आज बस स्टैंड पर जाकर सभी बस ड्राइवर, कंडक्टर और बस मालिकों को यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। बस स्टैंड से बस भरकर रास्ते में कहीं भी न रोके। शहर के अंदर बसों की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 25 किलोमीटर प्रति घंटा रखें, क्योंकि शहर में स्कूली बच्चे पैदल घूमने वाले निकलते हैं और बस की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से हादसा होने की संभावना रहती है। अगर कोई बस चालक बस स्टैंड से गुना बाईपास और ग्वालियर बाईपास तक तेज गति से बस ले जाता पकड़ा जाता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी एवं बसों में महिलाओं की आरक्षित सीट पर महिलाएं ही बैठें। बसों के कागजात साथ में ही रखें। किसी भी सवारी के साथ बदसलूकी ना करें। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। हमारे बसों में कुछ काम कमियां थी, उनको आप उनको सही करने के निर्देश दिए हैं। और दूसरी बात है, उन्होंने मेन जो बात कही है कि सुबह सुबह और दोपहर में कई स्कूल के बच्चे जो है ना रोड पे उतरते हैं बसों से और रोड क्रॉस भी करते हैं, जिसमें सभी के बच्चे होते हैं, है ना। तो ऐसे में बसों की स्पीड जो है 70 स्पीड में रहती है और ऐसे में कोई घटना घट जाती है तो उसका जवाबदार कौन होगा? थाना प्रभारी उन्होंने बताया है, तो आप सभी बस ऑपरेटर को अवगत करा दिया जाएगा कि यहाँ से गुना बाईपास तक, ग्वालियर बाईपास तक बसों की लिमिट कम रखें। बाकी मेन जो बस स्टैंड की कुछ अव्यवस्था है, जो बसें बस पर नहीं लग रही हैं जगह जगह पर, उनको व्यवस्थित करेंगे। आपका क्या सहयोग रहेगा इसमें? मेरे मेरे सूचित करा जाएगा भाई। हाँ, हमारी तरफ से जो भी सूचना दी जाएगी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हम लोगों को संपर्क करके बता देंगे। क्योंकि मेन तो देखो क्या होता है कि रास्ते में बच्चे भी निकल रहे हैं, लोग भी नहीं, नहीं। भी निकल रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और अपन भी चाहते हैं। नंबर के चक्कर में लोग बस भगाते हैं जो रास्ते में। नहीं नहीं, सभी बस ऑपरेटर को सूचित किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आगे से। जैसे अभी चालान का बताया था कि चालानी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आपके द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई बस संचालक? हमारे लिए तो मेरा काम बस स्टैंड का है, यहाँ पर व्यवस्थित रखना, जहाँ पर गाड़ियाँ सही व्यवस्थित लग रही है कि नहीं, तो मुझे संचालन संधारण का ठेका मिला हुआ। आप अगर आपके संज्ञान में बता दे तो आप बिल्कुल मैं कार्रवाई करूंगा, यहाँ पे बताएंगे ना साहब। बिल्कुल, जो भी कोई गड़बड़ करेगा तो उसको मैं कार्रवाई करवा के बोलूंगा साहब से, इन पर कार्रवाई की नियंत्रण रखें बस पर। बिल्कुल, मीडिया के के पास भी खबर आई है कि बसों की जो स्पीड होती है वो लगभग 70 से 80 की स्पीड होती है ग्वालियर बाईपास से गुना बाईपास की ओर, और ऐसे में सुबह सुबह कई सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, दोपहर में ही बच्चे स्कूल आते हैं, और पूर्व में भी कोई घटनाएं ऐसी घट चुकी हैं, एक्सीडेंट हो चुके हैं जिनमें उसमें लोगों की मौत भी हुई है। तो ऐसे में आपने क्या समझाया थी बस वालों को? ये जो 70-80 की स्पीड है, ऐसी सूचना तो मुझे प्राप्त नहीं हुई। मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि ये 40-50 की स्पीड पर शहर के अंदर चलता है, नियम नहीं है। 20-25 की स्पीड है, पीडब्ल्यूडी की रोड से और 20 शहर से निकलती है। हमारे जो बच्चे हैं वो भी सुबह स्कूल जाते हैं, कुछ लोग ऑटो से जाते हैं, कुछ पैदल जाते हैं, कुछ घूमने वाले भी रहते हैं, वो घूमते हैं सुबह सुबह। तो अभी एक मनियर पर भी एक्सीडेंट हुआ था, इसकी बस की स्पीड ज़्यादा थी। मैंने इनको सख्त निर्देश दे दिए हैं बसी सभी बस वालों को कि जिनकी 20 से 25 से स्पीड से ज़्यादा बसें नहीं चलाएंगे, बस स्टैंड से गुना बाईपास तक ग्वालियर बाईपास, कोई भी बस अगर इससे ऊपर मिलती है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम। उसके बाद इनको और भी निर्देश दिए हैं, जैसे कि ये परमिट की शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं, कोई बस यहाँ से भरता है सवारियों को ग्वालियर बाईपास उतार के दूसरा बस में शिफ्ट करता है, किसी पर कागजात पूरे तरीके से नहीं रखता है, कोई सवारी से अभद्रता करते हैं, महिलाओं की जो सीट आरक्षित रहती हैं उसमें पुरुष बैठते हैं और महिला कभी कभी खड़े होकर जाती है। तो वो भी मैंने इनको बता दिया कि अगर मुझे ऐसी कंडीशन बस में चेक करूंगा उसमें ऐसा मिलता है तो बस का जो परमिट है वो निरस्त करवाऊंगा। चलिए, अब ये तो है, पर आपका जो मेन पॉइंट वाली बात है, क्योंकि आप जो बता रहे हैं 20-25 की स्पीड है, ये स्पीड तो कभी कभी देखी नहीं गई है, स्पीड की हमेशा 50 से 60। कल से इंटरसेप्टर व्हीकल हमारे पास है, उसको हम इन्हीं रोडों पर लगाएंगे और जो ये चेक करेगा कि जो निर्देश आए इनको मिले हैं उनका ये पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और अगर ऐसा है तो वो उसमें क्लियर आ जाएगा, उसकी हम चालानी कार्रवाई करेंगे इन लोगों पर। कल से बिल्कुल विशेष अभियान चलेगा स्पीड की गाड़ियों पर कि हम किसी की व्यक्ति की जान जोखिम में नहीं डाल सकते इनके कारण, अगर ये ऐसा करते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सबसे सख्त कार्रवाई की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।